वेलकम टू द इलेक्ट्रिकल सर्विस हिंदी। बनाए गए पिछले वीडियो में हमने जनरेटर के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करी थी। ये वीडियो जो है मोटर्स के क्लासिफिकेशन पर आधारित है और इस वीडियो के तहत हम मोटर्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। जैसे कि स्लाइड से देखें तो डीसी और एसी मोटर्स दो टाइप की होती हैं। मोटर्स जो डीसी मोटर्स हैं सामान्यतः तीन प्रकार की होती हैं, सीरीज मोटर, शंट मोटर एंड कंपाउंड मोटर। जो कंपाउंड मोटर है उसके भी दो क्लासिफिकेशन रहते हैं, क्यूमुलेटिव कंपाउंड मोटर एंड डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। और इन दोनों की बात करी जाए तो ये भी दो टाइप की होती हैं, लॉन्ग शंट कंपाउंड मोटर एंड शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर। तो डीसी मोटर सामान्यतः तीन टाइप के होते हैं जिनके ये प्रकार थे। बात करी जाए एसी मोटर्स, एसी मोटर्स जो होती हैं अगर मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो दो तरीके होते हैं, नॉन सिंक्रोनस मोटर्स एंड सिंक्रोनस मोटर। और नॉन सिंक्रोनस मोटर की बात करी जाए तो इनके भी दो टाइप रहते हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर एंड सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। और जो सिंक्रोनस मोटर हैं ये केवल दो टाइप की रहती हैं, प्लेन सिंक्रोनस मोटर और ऑटो सिंक्रोनस मोटर। तो सिंक्रोनस मोटर का जो दो टाइप हैं इसके बाद सिंक्रोनस मोटर का काम समाप्त होता है। बात करें नॉन सिंक्रोनस मोटर, तो नॉन सिंक्रोनस मोटर के अंतर्गत दो टाइप की बताई जिसमें से थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स भी तीन टाइप की रहती हैं। देखा जाए तो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर, कम्यूटेटर मोटर। और इनमें भी जो स्क्विरल केज मोटर्स होती है वो दो टाइप की होती है, सिंगल केज इंडक्शन मोटर, डबल केज इंडक्शन मोटर। फिर हम बात करेंगे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर सामान्यतः देख ही रहे हैं स्लाइड के अनुसार छः टाइप की रहती हैं। मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर पहली मोटर होती है और दूसरे टाइप की जो होती है कैपेसिटर इंडक्शन मोटर रहती है। कैपेसिटर इंडक्शन मोटर को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, परमानेंट कैपेसिटर मोटर। नंबर तीन सैडेड पोल मोटर, यूनिवर्सल मोटर और रिपल्सन मोटर। रिपल्सन मोटर मुख्यतः चार प्रकार की होती हैं, प्लेन रिपल्सन मोटर, कंपेंसेटेड रिपल्सन मोटर, रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन मोटर, रिपल्सन इंडक्शन मोटर और जो सबसे लास्ट टाइप रहता है सिंगल फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो इस वीडियो के तहत हमने सोचा है मोटर्स कितने टाइप की रहती हैं। मोटर्स हर एक मोटर्स का अपना अपना एक स्पेसिफिकेशंस है। इस वीडियो में दिखाई गई जितनी भी मोटर्स हैं, जिस मोटर्स के बारे में आप विस्तृत जानना चाहते हैं या कहाँ यूज होती है कमेंट करें बॉक्स में और हम उस पर एक वीडियो नया बनाएंगे। बाकी इनके बारे में हम आपको अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, सभी मोटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, धन्यवाद।